मोदी कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा को दी मंजूरी। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें कराई जाएंगी उपलब्ध। ग्वालियर में 4 साल से पिता कर रहा था नाबालिग बेटी का शारीरिक शोषण, पेट में दर्द हुआ तो मामला आया सामने। एमपी के नागदा में तिरंगा यात्रा में जय श्रीराम के जयकारे पर भड़की स्कूल की डायरेक्टर, बच्चों को डंडे से पीटा, परिजनों ने दर्ज कराया मामला। बेंगलुरु में ऋषभ पंत ने खेला प्रैक्टिस मैच, दिल्ली कैपिटल्स ने शेयर किया वीडियो, हादसे से पहले दिसंबर में खेला था आखिरी मुकाबला। अभिनेत्री जरीन खान को हुआ डेंगू, हॉस्पिटल में हुई एडमिट, फैंस को दी एहतियात बरतने की हिदायत।